شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد محترم ناظرين हमारी और आपकी खसलत ये है हम बंदों की कि एक इंसान जब अपनी ज़रूरत लेकर के अपने जैसे भाई के पास जाता है एक बार वो इंसान उसकी ज़रूरत पूरी कर देता है कुछ ज़्यादा दिल कुशादा है दूसरी बार आया तो दूसरी बार भी दे देता है कुछ और दिल ज़्यादा कुशादा है तीसरी बार आने पर भी उसकी वो ज़रूरत पूरी फरमा देता है जैसे उसकी ताकत होती है उसकी कैपेसिटी होती है लेकिन अगर यही इंसान चौथी बार पांचवी बार आता रहे तो इंसान दिल बर्दाश्ता हो जाता है और कह बैठता है अरे भाई कैसा इंसान ये है इससे तो मैं आजिज़ हो गया अब ये हमें रास्ता चलना हमारे लिए दूभर कर दिया है कि जब देखिए तब उठा और मेरे पास आ गया कि मेरे पास ये नहीं है मेरे पास राशन नहीं है मेरे पास इलाज के लिए पैसे नहीं मेरी फला बीमार है ऐसा है वैसा है कैसा आदमी है मैंने बहुत बड़ी गलती कर डाली कि इसकी मैंने हेल्प की और मदद की मेरे दोस्तों ऐसा कतल नहीं सोचना चाहिए आपके पास है दीजिए और इस नेमत पर अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए कि अल्लाह ताला ने आपको देने वाला बनाया है अलदुलिया खैरुमिनदी सुल्फ सुफला कि देने वाला हाथ ऊपर वाला हाथ ये नीचे वाले हाथ से बेहतर होता है यानी देने वाला ये लेने वाले से बेहतर होता है तो इस पर अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए कि अल्लाह ताला ने आपको देने वाला बनाया है साहेब सरवत बनाया है नेमत से नवाजा है जिस नेमत से आप जैसे दीगर लोगों को अल्लाह ताला ने महरूम किया है लेकिन कुर्बान जाइए उस जलाल की जात वो है जो जात इतनी निराली है कि उसका क्या कहना हमारा रब आपका रब सारी कायनात का रब वो ऐसा है कि अगर उस रब के सामने इंसान हाथ ना फैलाए उस रब से न मांगे तो वो रब नाराज हो जाता है रूठ जाता है गुस्सा हो जाता है स्वन त्रिमिजी चाबुदाव हदीस नंबर थ्री थ्री सेवन थ्री सही हुल जामे टू फोर वन एट रावी हदीस अब हर्र ताला तला हैं फरमाते हैं कि रसूल अलैहि वसल्लम ने इर्शाद फरमाया मन लम अल्लाह के रसूल सल्ला इर्शाद फरमाते हैं कि जो इंसान उस अर्श वाले से नहीं मांगता है ज़मीन व आसमान के रब से नहीं मांगता है उसके सामने अपने हाथों को नहीं फैलाता है अपनी ज़रूरियात को उसके सामने नहीं रखता है यकदब अलई तो अर्श वाला ऐसे बंदे पर नाराज़ हो जाता है अल्लाह का ये फदल देखिए अल्लाह का ये करम देखिए अल्लाह की ये शान ने निराली देखिए कि अल्लाह नाम मांगने वाले बंदों से नाराज़ होता है इसलिए ये घड़ी है जिस घड़ी में हम वक्त गुजार रहे हैं लॉकडाउन में हैं अफरा तफरी का माहौल है इकतसाद इकनामी ज़ीरो पर है कोरोना वायरस की बीमारी का एक अलग मसला है खौफ वरास का माहौल है इस घड़ी में और इस मुबारक घड़ी में रमजान का महीना है रमजान के आखिरी अशरे से हम गुजर रहे हैं रमजान हमसे रुखसत हो रहा है रुखसत होते हुए हम अपने हाथों को उस रबलाल के सामने उठाएं और इन परेशानियों से निजात के लिए हम सच्ची तौबा करें और अल्लाह किसे तो mm. mm. तो रोएं, गिड़गिड़ाएँ अल्लाह ताला मांगने से खुश होता है और ना मांगने से अल्लाह ताला नाराज़ होता है तो हम अल्लाह ताला के सामने रोएं, गिड़गिड़ाएँ अपने हाजात और ज़रूरियात को रखें क्योंकि ये एक ऐसा अमल करने से अल्लाह ताला खुश होता है और ना मांगने से अल्लाह ताला नाराज़ होता है अल्लाह ताला हम सबको अल्लाह से

हमारे साथ जुड़ें और खैर को आम करें